गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास वन. सो दिस इज ए पार्ट ऑफ योर नंबर्स अप टू 50, पेज नंबर 88 एंड 89. सो दिस इज योर पेज नंबर 88 एंड दिस इज योर 89. सो यू कैन डू बेटर, तुम उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कौन से पेज में क्या है. सो कम टू ई, सॉल्व एंड राइट. हियर सॉल्व एंड राइट आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर वन, what is the shape of the sandwich, triangle or square? So in this question you have to recognize all of these things from that picture. नीचे एक picture है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं. So they are playing in a playground or maybe in a park. So they have already named and they are doing something. So in this question the answer will you can get from page number 88 below side. So question number 1, sandwich that is eaten by Aman and Jack. So what is the shape of the sandwich? So you can see the shape of the sandwich is triangle. Tum dekh sakte ho to sandwich ka jo shape hai wo kya hai, triangle hai. To yahan par tum ट्राइंगल को सर्कल कर सकते हो, यहाँ पर घुमा सकते हो सर्कल, क्योंकि वहां पर ऑप्शन है ट्राइंगल और स्क्वायर. स्क्वायर है या फिर ट्राइंगल है. सो ट्राइंगल का शेप क्या है, ये है. तो सैंडविच का शेप ये है, लेकिन ये है स्क्वायर तुम्हारा, लेकिन सैंडविच का शेप ये नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज स्लाइडिंग, इला और मधुर. तो वहां पर स्लाइडिंग कौन कर रहा है, मधुर कर रहा है या फिर इला कर रही है? तो कौन कर रहा है, वहां पर फारा जस्ट वहां पर चढ़ रही है लेकिन स्लाइडिंग नहीं रही है, लेकिन मधुर स्लाइडिंग कर रहा है. सो इन द आंसर बॉक्स यू हैव टू रिटेन मधुर. क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 7 पिंक फ्लावर्स एंड 5 व्हाइट फ्लावर्स, हाउ मेनी आर देर इन ऑल? सो यू कैन सी दैट इन द पार्क देर इज सो मेनी फ्लावर्स आर देर. Some of the flowers are white and some of them are pink. So in the question, so how many pink flowers? 7 pink flowers and 5 white flowers. 5 white flowers. So you have to add them all. तुमको यार क्या करना है, इसको जोड़ना है, add करना है. जोड़ने का मतलब क्या है, addition. Addition का sign कौन सा है, plus sign. सो यहाँ पर तुम कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है, 7 8 9 10 11 12. सो आंसर इज 12. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, अमन एट 5 सैंडविचेस, जैक एट 1 सैंडविचेस लेस देन अमन, हाउ मेनी सैंडविचेस डिड जैक एट? अमन ने 5 सैंडविच खाए हैं और जैक ने उससे कम एक सैंडविच खाया है. एक सैंडविच कम किससे खाया है, अमन से. तो अमन कितना खाया है, 5 खाया है और जैक क्या किया, एक सैंडविच कम खाया है. तो एक सैंडविच कम खाने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 है तुम्हारा अमन का, एक सैंडविच कम मतलब उसको हमको काटना है. तो काटने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का साइन क्या है, माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काटते हैं 1 सैंडविच. सो हाउ मेनी रिमेन्स, 1 2 3 4, 4 सैंडविचेस रिमेन है. इसका मतलब है 4 सैंडविच कौन खाया है, जैक ने 4 सैंडविचेस खाए हैं. सो कम टू द सॉल्व द स्टोरी सम हियर. क्वेश्चन नंबर 1, इन द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज कैन रोल, कौन गोल गोल घूम सकता है, रोल कर सकता है, टमाटो या फिर स्पिनच? स्पिनच क्या होता है, वो पत्ता होता है, वो रोल नहीं कर पाएगा. स्पिनच को तुम पालक भी बोलते हो, तो पालक तो घूमेगा नहीं. और उसके बाद क्या है, टमाटो. टमाटो गोल है, उसका वो स्पीयर है, गोला है, तो वो घूम सकता है. तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, टमाटो. यहाँ पर सर्कल करना है, यहाँ पर तुम सर्कल भी कर सकते हो या फिर साइड में लिख सकते हो टमाटो. क्वेश्चन नंबर 2, देयर वेर 15 ब्रिंजल्स, 5 ऑफ देम वर सोल्ड, हाउ मेनी आर लेफ्ट? वहां पर 15 क्या थे, बैंगन थे और उसमें 5 सोल्ड हो गए, बिक गए 5. तो अब कितने बचे हैं,
तो 15th है और 5 बिग है, तो यहाँ पर देखो 15 माइनस 5 ये कौन सा होगा, बिग है मतलब कट गया उससे, इसका मतलब है माइनस साइन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15। सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे नीचे भी 5 है तो काटो 5 1 2 3 4 5, हाउ मेनी रिमेंस, 0। ठीक है, ऊपर 1 है नीचे कुछ नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 48 टोमेटोज, राइट द नंबर नेम ऑफ 48। 48 का नंबर नेम लिखने के लिए बोला है FORTY देन 8 EIGST 8, 48। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 8 कैबेजेस एंड 11 कॉलीफ्लावर्स, हाउ मेनी इन ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तुम्हारा 8 कैबेजेस है और 11 कॉलीफ्लावर है, 8 कैबेजेस प्लस 11 कॉलीफ्लावर, यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो 11 प्लस 8 8 प्लस 1 9, और ये 1 आ गया तो हो गया यहाँ पर आंसर 19। क्वेश्चन नंबर 5, देर आर 15 कैरट्स, 48 टमाटोज, 8 कैबेजेस, 11 कॉलीफ्लावर, अरेंज द नंबर ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो यहाँ पर छोटे से बड़े तक तुमको उसको अरेंज करना है, यहाँ पर क्या क्या है, 15 है, देन 48 है, उसके बाद तुम्हारा है 8 और 11। तो सबसे छोटा कौन है, 8 सबसे छोटा है तो पहले ये आएगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है 11, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है 15 और सबसे बड़ा है 48। तो ये है तुम्हारा रीअरेंजिंग स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 आई हैव लेफ्ट, उमा ब्रॉट 1 ब्रिंजल, 1 2 कॉलीफ्लावर, 1 पंपकिन। तो क्या हो गया, 1 ब्रिंजल, 2 कॉलीफ्लावर एंड 1 कैबेज। तो वहां पर 1 ब्रिंजल, 2 कॉलीफ्लावर्स एंड 1 पंपकिन। तो यहाँ पर तुम इसको कैसे करोगे, यहाँ पर 3 है, 3 है लेकिन ये सिंगल डिजिट है तो तुमको इजी रहेगा, ये 1 होगा, ये 2 1 2, फिर ये 1। ठीक है, तो इसको ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 4, तो इसको टोटल ऐसे करके तुम गिन सकते हो अप टू 4। देन नेम एनी टू वेजिटेबल्स दैट हैव द सेम शेप। तो क्वेश्चन नंबर 7, तुम टमाटो पोटैटो लिख सकते हो, या फिर रेडिश और कैरेट, तुम कोई सा भी एक लिख सकते हो उसमें, दैट हैव द सेम शेप। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।